हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेत कौशिक। हमारे यूट्यूब चैनल वन गोल इनफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। हमारा ये इंस्टीट्यूट एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी है बोर्डिंग, जो बच्चों को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, एपीएस दक्षय, ओ ग्रुप स्कूल और तमाम इन तरह के स्कूल साथ साथ एनडीए की कोचिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9671861500। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये चीज बताई थी कि जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, ये एक बहुत फेमस स्कूल है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्क कर रहा है, जिसकी एनडीए सिलेक्शन रेट 88% है। किसी भी स्कूल की इसके आसपास आधी भी नहीं होती। ये इस लेवल का स्कूल है जिसमें गारंटी है लगभग कि बच्चा अगर वहां चला गया तो डिफेंस ऑफिसर बनेगा ही बनेगा। इधर वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वो अलग बात है, लेकिन एनडीए क्लियर करेगा ही करेगा, गारंटी हो जाती है इस चीज की। तो ये स्कूल जो है, इसमें पढ़ाने का पहला बेनिफिट आपको समझ में आ गया। दूसरा बेनिफिट जो है वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, और वो है लगभग फ्री स्कूल है ये, कि आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, करियर की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है, और चार्जेस भी ना के बराबर है। वैसे तो इसकी फीस रहती है 40-45 हज़ार के आसपास, इसका एक सारा खर्चा रहता है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये फ्री स्कूल है, तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है कि ये स्कूल 40-45 हज़ार पे चार्ज करने के बाद भी फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही है वो रीजन जिस कारण हम कहते हैं कि ये बहुत मिनिमल चार्जेस के अकॉर्डिंग ही चलता है ये स्कूल। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है आरआईएमसी की स्कॉलरशिप। देखिए, हम जानते हैं आरआईएमसी में एक स्टेट में से सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट होता है और उसको स्टेट स्कॉलरशिप देती है। स्टेट की जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, उसी स्कॉलरशिप का ब्यौरा है इस वीडियो के अंदर। पहला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है 14,000 रुपए देती है जो भी बच्चा आंध्र प्रदेश से सिलेक्ट होता है। मैं पॉइंटर के थ्रू आपको यहां दिखा देता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है 14,000 रुपए आंध्र प्रदेश के। फिर आता है असम की बारी। असम देता है 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप। असम 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप देता है जो बच्चा सिलेक्ट होता है। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो बच्चा अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इस सीट पे अपना कब्जा करेगा, इस सीट पर काबिज होगा, उसको 60,000 रुपए पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। बिहार, बिहार का जो बच्चा होता है उसको 30,000 रुपए स्कॉलरशिप के दिए जाते हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बच्चे को 33,000 रुपए देती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। फिर सॉरी चंडीगढ़, चंडीगढ़ के 33,000 रुपए देती है चंडीगढ़ की गवर्नमेंट। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 14,000 रुपए देती है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। फिर आता है गोवा। गोवा को मिलते हैं 50,000 रुपए। 50,000 रुपए सालाना देती है गोवा की गवर्नमेंट। फिर है गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट 48,000 रुपए देती है। 48,000 रुपए आपको मिलते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हो इस आरआईएमसी के अंदर पर ईयर। हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो 50,000 रुपए देती है पर ईयर के, अगर बच्चा हरियाणा की सीट से आरआईएमसी के अंदर जाता है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट 20,000 रुपए देती है। JNK की गवर्नमेंट 25,000 रुपए देती है। झारखंड की गवर्नमेंट 15,000 रुपए देती है। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है आपको स्टेट वाइज। इसका हमारा बैच आरआईएमसी का अप्रैल के अंदर शुरू हो रहा है, आप मार्च में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये स्कूल के लिए दुनिया रात दिन तैयारी कर रही है, साल साल 1.5 साल की कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, तब जाके इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज स्टेट में सिर्फ एक ही सीट रहने वाली है। तो बेटर होगा आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ, ताकि बच्चे को पूरा प्रॉपर टाइम मिल सके। मैंने वीडियोस के अंदर इसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी है, इसका फॉर्म निकला हुआ है, उसके लिए वीडियो ऊपर आई बटन अगर आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। ऊपर आई बटन के अंदर ही जितनी वीडियोस है उन समय मैंने बताया हुआ कि फॉर्म कैसे कैसे भरे, वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं आगे कर्नाटका की। कर्नाटका की होती है आपकी 22,500 रुपए। केरल की होती है 27,000 रुपए। मणिपुर की होती है 30,000 रुपए। महाराष्ट्र 40,000 रुपए देता है जो बच्चा महाराष्ट्र की सीट से अंदर जाएगा। मणिपुर देता है 30,000 रुपए। मध्य प्रदेश 12,000 रुपए देता है। मेघालय 20,000 देता है। नागालैंड देता है फुल बिल रिबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो पूरा जितना भी खर्चा होगा वो पूरा उठाएगी, डजंट मैटर वो खर्चा कितना भी हो। ओडिशा देती है 12,000 रुपए। फिर है पुडुचेरी। पुडुचेरी देता है 20,000 रुपए। पंजाब देता है 33,000। राजस्थान देता है 12,000 रुपए। सिक्किम देता है 20,000 रुपए। तमिलनाडु देता है 40,000।
उत्तराखंड देता है 12,000, उत्तर प्रदेश देता है 24,000, वेस्ट बंगाल देता है 20,000 और तेलंगाना देता है 26,400 रुपये। तो ये आपकी स्कॉलरशिप है। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारे डाउट्स। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हमारे सारे वीडियो से गो थ्रू कीजिए जो हमने आरएमसी के ऊपर बनाई है, ताकि आपको आरएमसी की नॉलेज हो सके। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सके। लिमिटेड सीट्स रहती है, देखिए सिंपल है, क्योंकि तभी हम क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं, हम कम बच्चों को ही बैच में पढ़ाते हैं। तो जल्दी से जुड़िए ताकि आप भी इस तरह के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके जहां वो 8th क्लास से ही ऑफिसर बन जाए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको इसका पता चल सके। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।